नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम। सभी दर्शकों को आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आज का शो लेके हाजिर हूं नए मेहमान के साथ। कोविड का समय दोबारा लोगों को डरा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, यानी कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना है। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप जब भी काम पे जाएं, काम के लिए निकले तो मास्क आप जरूर पहने। और साथ में भारत सरकार की ओर से जगह जगह पर शिविर लग रहे हैं कोविड वैक्सीन के। मैंने कोविड वैक्सीन लगवाया है और 17 फरवरी को मेरा कोविड वैक्सीन लगा है और मैं एकदम नॉर्मल हूं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज के दौर में ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, इसलिए आप अपने सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। आप सब लोगों ने हमारे शोज का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है, जिससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपके लिए ऐसे शोज लेके आए जो संगीत की नींव है, जैसे क्लासिकल संगीत और खास करके युवा कलाकार। संगीत सुखद ध्वनि स्वर या वाद्य है जो हमें सद्भाव और उच्चतर आनंद का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। संगीत मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय संगीत की न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष महत्व परिभाषित करता है। भारतीय संगीत का पारंपरिक स्वरूप पूरे युग में जीवंत है और इसने देश में न केवल आम लोगों का मनोरंजन किया है बल्कि इसके दुनिया भर में प्रेमी है। संगीत ललित कलाओं में से एक है। कला के अन्य रूपों की तरह इसमें रचनात्मक और तकनीकी कौशल और कल्पना की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि नृत्य रंगों की, गीत और चित्रकारी की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार संगीत ध्वनियों का है। जिस प्रकार आंखों के लिए एक सुंदर दृश्य है, सुगंध नाक के लिए है, स्वादिष्ट पकवान जीभ के लिए है और कोमल स्पर्श त्वचा के लिए है, उसी स्थान पर संगीत कानों के लिए बहुत ही जरूरी है। रेडियो विविधता के आज के शो में हम एक और पायदान ऊपर आए हैं, जहां हम आपको संगीत के बेसिक्स के साथ जोड़ेंगे, जानेंगे राग क्या होता है, हर राग का क्या स्थान होता है। हमारे जीवन में ध्वनि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम चारों ओर से ध्वनियों से घिरे हुए हैं। योग शास्त्र में कहा जाता है नाद ब्रह्म, यानी ध्वनि ही ईश्वर है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर और सारा जगत एक ध्वनि या फिर कंपन ही है। इसका अर्थ है कि अलग अलग तरह की ध्वनियों में हम पर अलग अलग तरह के असर पड़ जाते हैं। ध्वनि की इसी समझ से जन्म हुआ है भारतीय शास्त्रीय संगीत का। आइए आपसे आज रूबरू कराते हैं एक युवा कलाकार से, जो तन मन से क्लासिकल संगीत को जी रही है। मुझे आशा है कि संगीत के मुरीद आज इस शो के साथ जुड़े रहेंगे और हमारी इस नई कोशिश के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। रेडियो विविधता का ये लाइव शो आपको विभिन्न जगहों पर
लेके जाता है और कोशिश करता है कि खुशियों के पल आपके जीवन में हम दे सके। आज मैं आपको लेके चलता हूं माया नगरी मुंबई और कराता हूं रूबरू आज के मेहमान एक नन्ही परी से जो अपने संगीत से आपका मन मोह लेगी। करते हैं स्वागत हमारी कम्युनिटी की बेटी हिया किलम का। हिया किलम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में, एंड वेलकम हिया इन दिस लाइव शो, एंड होप यू गेट मच लव एंड आशीर्वाद ड्यूरिंग द शो फ्रॉम आर रेवर्ड ऑडियंस। नमस्कार, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू सर मुझे यहाँ लाइव शो में आने के लिए, और ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड जिन लोगों ने ये पॉसिबल करवाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड आई होप एवरीवन हियर एंजॉयज द शो। वेलकम अगेन हिया, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, एंड also excited for your great performances for the show today for our audience. Before talking to Hiya Kilam, let me say that Hiya is proud daughter of Shrimati Rachana Kohl ji and Shri Rohit Kilam ji from Mumbai. Bachpan se hi sangeet seekhne ke liye maa ne Hiya ko prerit kiya. Jante hai Hiya ki zindagi ke bare mein उन्हीं की जुबानी। हिया, वेलकम अगेन इन द शो। हाउ डू यू फील दिस टाइम यू आर लाइव विद आवर ऑडियंस ऑन रेडियो विदस्ता फेसबुक पेज? आई फील अमेजिंग, आई फील एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल गैदरिंग। इट, एज आई सेड अर्लियर, इट इज अ रियली बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड आई कैन वेट टू परफॉर्म, एंड आई होप मेनी ऑफ यू आर just as excited as me. So nice here, and I hope we will enjoy this show, and I hope also the audience which have connected us, they are in waiting for Hiya's performances, and I will ask you many questions during the show. You will have to reply me to those questions, and first of all, I would request you to start this program, and आप इस कार्यक्रम की शुरुआत किसे करना चाहेंगे? हमारी प्रथा है कि हम प्रभु के नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आज गुरु वंदना और सरस्वती वंदना से शुरुआत करना चाहती हूँ। जो गुरु वंदना है वो मेरे सारे गुरुज को डेडिकेटेड है, जो जिन्होंने मुझे इतने सालों में इतना कुछ सिखाया है। प्लीज गो अहेड। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर या वीणा वरदा
या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति Awesome. Yeah, you have given a big beginning to this show, and I must say that there are so many persons who have connected us. हमारे साथ जुड़ी हैं रेनू मला जी, और वो नमस्कार कर रही है. हमारे साथ नरेश शर्मा जुड़े हैं अंबाला से, और हमारे साथ सुजाता भान जुड़ी है. Can't wait to see here rock. And everyone, for your kind comments, your presence here truly means a lot. Pinky call Amritsar se jud gayi hai. Wo kehti hai eagerly waiting to see here. Aur hamare sath Bharat ji jude hain Canada se, aur wo namaskar kar rahe hain. And saath mein aapko wo keh rahe hain welcome you little angel. And bahut sare comments aa rahe hain. Kuch comments shayad main nahi le pa raha hu kyunki comments badi speed se जा रहे हैं. और हमारे रेडियो वितस्ता के प्रोग्राम इंचार्ज नरेश शर्मा वो कह रहे हैं वेलकम हिया किलम ऑन रेडियो वितस्ता. एंड हमारे साथ जुड़े हैं अंबाला से जितेंद्र गुप्ता, वो नमस्कार मारा कह रहे हैं. और बीना देसाई वेलकम हिया किलम. एंड साथ में अजय दास फ्रॉम जम्मू, ही सेइंग नमस्कार. एंड रचना जी ढूंढ रही है कि रचना कॉल कहां पर है, और रचना कॉल इज रिप्लाइंग दैट आई एम हियर. रचना जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस लाइव शो में, और आगे की ओर हम बढ़ते हैं. और देर आर सो मेनी पर्सन्स हु हैव कनेक्टेड अस मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे साथ जुड़ी है. इट इज रशिका ओसवाल, ये हिया क्या कहेंगे आप रचिका को? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई मीन द सपोर्ट ऑफ एवरीवन हियर इज ऑनेस्टली सो ओवरवेलमिंग, एंड इट मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड टू परफॉर्म फर्दर. पिंकी कोल कह रही है वी ऑल उत्साह परिवार आर सो एक्साइटेड. यस, हम भी एक्साइटेड है. एंड पुष्कल तनुरेजला, हिया हिया हिया. Thank you so much. And your mom saying you all the best today. And we have someone, Momo, connected to us in this live show and saying such a talented angel. Thank you so much. आइए हम अंजलि त्रिसल तरसाई का भी अभिनंदन करते हैं. वो कह रही हैं कि I am here for the first time. Welcome in this show, and I hope you will remain connected to us in coming shows as well. You are welcome always. Here, हम आपसे कुछ बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम आपके संगीत के यात्रा के बारे में जानेंगे, और चाहेंगे कि आप आज मेरे प्रश्नों का उत्तर दिल से दें, चाहे आप हिंदी में दें, चाहे आप अंग्रेजी में दें, चाहे आप कश्मीरी में देना चाहें, जैसे आपकी इच्छा हो. और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप बचपन में ही संगीत को पसंद करती थी, या घर में कोई संगीत की शिक्षा ले रहे थे या ले रहा था? संगीत तो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद थी, बट यू नो लोग तो बोलते हैं कि कोई होना चाहिए जो पुश करे कि चलो करो करो करो, अदरवाइज कभी कभी मन नहीं लगता. So for me, it was my mom. She was the one who pushed me. My mom used to go
for music classes, and you know, I was a tiny tot, I don't know, maybe 3, 4 years old. So I used to accompany her to her music classes. And I mean, according to my mom, she used to say that I used to remember each and every word of what her teacher used to teach. I mean, it's crazy to think about it, but. हिया वद क्या कहना चाहेंगे आप मम्मी को इस स्टेज पर, क्योंकि यू आर लाइव एंड सो मेनी पीपल आर गिविंग यू आशीर्वाद, दे आर प्रेइंग फॉर यू एंड दे आर वेटिंग फॉर योर परफॉर्मेंसेस, लाइक वी हैव पुष्कल एंड सेइंग प्लीज सिंग अमरसिया अमरसरिया अम अमरसरिया हिया, रियली हम इस पे आगे चलेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप हिया का परफॉर्मेंस आज का लाइक करेंगे। और बॉबी ब्राउन कह रही हैं ग्रेट टू सी हिया हियर और वेलकम ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो वितस्ता इन दिस लाइव शो। हिया, मैंने आपसे पूछा था कि आप मॉम को क्या कहना चाहेंगे इस समय। मॉम, आई वांट टू से थैंक यू मुझे म्यूजिक में डालने के लिए, थैंक यू मुझे थोड़ा सा और पुश करने के लिए, थैंक यू मुझे बोलने के लिए कि रियाज करो, बैठो, अभी फिर से जाओ क्लास में, रुको मत, भागो अभी। आई मीन, हाँ, कभी कभी तो अनोइंग लगता है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स हेल्प मी सो मच, एंड इफ आई एम हियर इट्स बिकॉज ऑफ हर। शी टोल्ड मी टू यू नो ट्राई आउट फॉर दिस शो, एंड वेरी गुड। ऑल्सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यस, मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय वेट करके, आज रचना जी का जन्मदिन है और हिया की मॉम रचना कौल जी का जन्मदिन है आज, और रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से रचना जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आशा है कि आज आपका ये जो बर्थडे है बहुत ही अच्छा रहेगा, और क्योंकि आज हिया का प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस है हमारे इस लाइव शो में। हिया, आई जस्ट वॉन्ट आस्क यू व्हाट रागा इज, व्हाट राग इज, और राग के ऊपर जब हम कोई बंदिश गाते हैं या गाते हैं तो राग का मीनिंग क्या है, प्लीज हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बता दें। और मैं चाहूंगा कि आप जो पहली प्रेजेंटेशन दें वो अगर राग बेस्ड हो तो हम कोशिश करें कि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं दे वॉन्ट टू एंजॉय यूअर राग सिंगिंग, प्लीज से समथिंग अबाउट इट। जी, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो म्यूजिक नहीं सीखते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक इंट्रो देती हूँ। तो बेसिकली स्वर 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र। अभी एक नेकलेस को अगर हम ले, तो अगर नेकलेस में सिर्फ एक कलर के बीड्स डालेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हम उसमें डिफरेंट तरह के बीड्स डालें देन वो सच में बहुत ही सुंदर हो जाता है। सो सिमिलरली इन अ राग, इफ वी ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स एंड मेक सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोट्स, दैट इज व्हाट वी गेट अ राग। इट्स बेसिकली अ कॉम्पोजिशन जी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स इन अ फिक्स कॉम्बिनेशन, एंड जी इट ऑल्सो हैज सेवरल रूल्स टू इट। आई मीन, इट्स नॉट जस्ट फ्री कि ठीक है यहाँ रे कोमल लगेगा, यहाँ म तीव्र है, यहाँ ध कोमल है। That's not the way it works. There are fixed rules. Each rag has a fixed set of phrases which you're supposed to use. It may seem simple at first, but trust me, it's not. आपने एकदम सही और सरल शब्दों में कहा। और रेणु मला जी कहती हैं प्लीज बेटा क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग सुनाओ, और मुझे भी बहुत इच्छा है कि हम आज इस प्रोग्राम की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद एक रागा बेस्ड सॉन्ग पर करना चाहेंगे। एंड सभी जितने लोग हमसे जुड़े हैं प्लीज कीप योर ईयर्स ओपन, नॉर्मली वी कीप आईज ओपन, प्लीज कीप ईयर्स ओपन टू लिसन टू हियर। नाउ व्हाट डू यू हियर? So before I start with the performance, I thought I'd give a little bit of introduction to the rag. Now, as I said, there are 3 kinds of swar, shuddh, komal, tigra, which are used in different combinations. I'll be performing rag Puri Adhinashri, and in this particular rag, we have re komal, dha komal, along with ma tigra. Now, these notes are not just used in a random combination. Now, I'll be singing the basic
structure of the rag, that is the aravagra of the rag, and I think that should speak for itself. Structure of Rag Puriya Dhanashri. Now in this particular rag, while we're going up the scale, that is in the aro, we omit this word pa, but then it is beautifully sung in the agro. Sa re da pa ma re ga. According, this is one of my favorite rags, and according to me, it's one of the most beautiful rags I have ever heard. This is also an evening rag, so this is ideal for this time, I guess. Just to explain a little bit on the bandish that I'll be singing. Mai ri shama sham sham ratate shama sham bhai. Apne sakhi ne so poochhte hain shama kahan gaye. Now this is based on the story of Radha and Krishna. राधा को श्यामा बोलते हैं एंड श्री कृष्ण को श्याम बोलते हैं. तो यहाँ बोलने जा रहे हैं कि राधा श्री कृष्ण को बुलाना चाह रही हैं, पर वो उनको बुलाते बुलाते उनमें खो गई हैं. श्यामा श्याम भाई, पर जो उसका अंतरा है, ब्रज भी थन में ढूंढते दौलत बोलते राधे 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 रही रही सोच विचार करत सखी सबन मौन साधे. अब वो शाम को बुलाती जा रही है और पर उसके जो दोस्त हैं वो उसको बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि वो शाम में इतना खो गए हैं कि उसके दोस्त उसको ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं. बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है पंडित जसराज की. बहुत बहुत Now I would like to begin with the Rag. Om Shri Ananta Hari Narayana. Ah
अपने दखिने सो पूछत है श्यामा कहाँ गए, मेरे श्यामा श्याम श्याम रटत श्याम श्याम भरे, मेरे मेरे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भरे, मेरे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भरे, मेरे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भरे, अपने सखिन सो पूछत है श्याम कहाँ गए, मेरे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भरे, कहूंगा कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि ये असल में संगीत का शो है, असल में ये संगीत की परफॉर्मेंस है, व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड यू फील डिवाइन, और वो चीज आपकी आवाज में है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स है, मैं सारे कमेंट्स यहां नहीं ले पाऊंगा, और कुछ कमेंट्स है। शुभांगी डिसोजा, आपका स्वागत है। वो कहते हैं कि थैंक गॉड ऑडियो इज वेरी क्लियर। जी, आज हिया ने बहुत सारी मेहनत इसलिए की है कि उनका जो ऑडियो है वो क्लियर आप लोगों पे आ जाए। और पिंकी जी कह रही हैं, वाह व्हाट ए म्यूजिकल सेलिब्रेशन ऑफ रचना कोल्स बर्थडे, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी मॉम के लिए इस शो में आई, और लोग ये मानते हैं कि इससे अच्छा मौका सेलिब्रेट करने का नहीं हो सकता, एक बेटी की दौरा अपनी मम्मी के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उन कमेंट्स में थोड़े से कमेंट्स ले लूंगा।
और एक कमेंट हमारे पास है अंकित रॉय का, वो कह रहे हैं ट्रूली ब्लेस्ड विद ए नाइस वॉइस, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड साथ में एक कमेंट आया था मेरे पास इंदर कृष्ण किलम जी का, ये कौन है? ये मेरे ग्रैंडफादर के भाई हैं। ओके, ये ग्रैंडपा ही हो गए और वो कह रहे हैं कि रिंकू के बर्थडे पर बहुत अच्छा उपहार। जी, आज रेडियो वितस्ता भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाया और हमें इसकी बहुत खुशी है। या हम आगे की ओर चलते हैं, कुछ कमेंट्स हम बाद में ले लेंगे और आई थिंक कमेंट्स में हम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट करते रहिए और हिया को अपना सिने और प्यार देते रहिएगा। इस हिया को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। हिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्लासिकल संगीत यानी क्लासिकल जो म्यूजिक है और वेस्टर्न संगीत की ओर आप कैसे जुड़ गए? क्योंकि जैसे हमने ये बताया कि हमारे शो में हिया किलम आ रही है जो मॉडर्न और वेस्टर्न और क्लासिकल सिंगर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्लासिकल संगीत और वेस्टर्न संगीत की ओर आपका ध्यान कैसे गया? क्लासिकल की बात करो तो मतलब बचपन का ही कनेक्शन था, जब से मेरी मॉम ने मुझे म्यूजिक लेसन्स में डाला तब से। मतलब क्लासिकल एक ऐसी आर्ट है, आई मीन इट टचेस योर सोल, दैट्स द थिंग अबाउट इट। सो फॉर दैट आई एम इटरनली ग्रेटफुल टू माय मॉम। एंड बट व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न, सो दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, but when I was around 6 years old, my family relocated to Vietnam. So okay. Obviously there was no such facility to learn Indian classical music like I was doing back in Delhi. So then of course, I mean, I never took formal lessons there, but then there's a thing about influence that of course, you know, people and things around you can influence so much. So of course, there was no influence at all for classical anymore. So I turned towards Western, and it is such a beautiful art. It is different from classical, but then it is beautiful in its own way. But then I did take lessons for Western music, I think in 2018. Yeah, so my first mentor was Lina Ma'am for Western music. She is such an amazing teacher. I cannot express how grateful I am to her. She got me into a cappella first, then musical theater, and those two are two of my biggest passions. And of course, both Western and classical have a special place in my heart. Yeah, listening to you, it's very good experience. Being in the beginning of your career, your life, how do you relate music with your life? I would say in a way my life revolves around music and music revolves around my life. It is so special to me. It's gotten me through a lot of stuff and it's always been there for me even when I felt no one was there. And for that, music, as I said earlier, has a very special place in my heart. I mean, there are people who come and ask me, they're like, how do you do nothing but sing and sing and sing and sing all day? I mean, but then music is just so embedded inside me that it's more than just singing to me at this point. It's so much more. I mean, and that can't be put into words. बहुत अच्छी बात आपने कही हिया। मैं आपसे एक बात ये उत्तर हिंदी में जानना चाहूंगा। बहुत सारे जो लोग हमारे शोज में जुड़ते हैं उनमें ऐसे भी सिंगर्स हैं जो कलाकार ऐसे हैं जो म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि आप वियतनाम गए और वहां आपने वेस्टर्न म्यूजिक की ओर आपको जानकारी मिली, संगीत एज ए होल, मतलब जो संगीत है चाहे वो वेस्टर्न है चाहे वो क्लासिकल है, तो एक संगीत का जो मैसेज है, हाउ इट पासिस ऑन टू द पीपल? संगीत जो है वो लोगों के दिल को छू लेता है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसको शब्द में बोल भी नहीं सकते, मतलब इतना उसका ज्यादा असर होता है लोगों पे।
जी मतलब इट हील्स पीपल एंड देन उन उनकी जिंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है. ऑफ कोर्स आई मीन रियाज का तो है, मतलब पूरा दिन का रूटीन चेंज हो जाता है रियाज के लिए, अलग से टाइम निकालना है वो अलग बात है, पर जो डिवोशन है म्यूजिक की तरफ वो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है. बहुत अच्छा कहा आपने हिया, और मैं आपसे बात करूंगा रियाज के लिए आगे भी, और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं हमारे पास जो हमने लेने हैं. जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जितने लोग हमसे इस समय कनेक्ट हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे और क्या आप उनको कहेंगे कि हिया के ऊपर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें? जो जो भी यहाँ लोग हैं, जो मतलब किसी दिन सिंगर बनना चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि एक लंबा रास्ता है, पर अगर डिवोशन है अपने आर्ट के लिए देन उतना मुश्किल नहीं लगता है. मतलब ऐसा लगता है कि अपने लिए कुछ काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, अपने लिए काम करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है. दूसरों के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पर ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे पसंद आ रहा है क्या, क्या मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. तो उस तरफ अगर सोचे देन एक आर्टिस्ट का जर्नी बहुत मेमोरेबल रहता है. बहुत खूब हिया, एट दिस टेंडर एज यू आर गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी आर्टिस्ट एंड पर्संस हु आर कनेक्टेड टू अस इन दिस लाइव सेशन. आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एक गाना है जो बॉलीवुड का है, एक दिल एक जान, ये भी राग बेस्ड बॉलीवुड सॉन्ग है, तो क्या आप हमें ये सुनाएंगे और हम देखना चाहेंगे कि राग को हमारे म्यूजिक में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? क्या कैन यू सिंग दिस फॉर अस इन दिस लाइव शो? डेफिनेटली, प्लीज गो अहेड. Start, I thought I'll explain a bit about the rag. So this song is based on rag Yaman. It was there in the movie Padmavat. It's honestly such a beautiful song, and the melody, I mean, just the little intricate just the little details in the song are so beautiful, and I hope you'll enjoy this one. Please go ahead. एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे है, दोनों तुझ पे कुर्बान है. एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है. एक दिल प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज भी तू, रूही साज भी तू, मेरी सांस ना चार याद भी तू, मेरा राज भी तू, पुखराज भी तू, मेरी आस प्यास हर बात भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा काज राज राज भी तू, हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में, एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे
एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। True God, here in the you have sent your voice to the world this time through this show, and we have Dr. Vinay Kumar Malhotra from Ambala, Kent itself. He is saying that very good young singer. आपके लिए ये आशीर्वाद कितना मायने रखता है हिया, प्लीज बताएं। It means the world, honestly. I mean, just reading through the comments, even when I'm singing, I tend to go through the comments sometimes. And I mean, they're so heartwarming. I mean, sometimes, you know, there's a little bit of nervousness that comes. I mean, not always, but just sometimes. I mean, just reading through the comments makes me feel so much better and helps me give a better performance. Here, there is no place of nervousness in my show because I always remain nervous. When we remain nervous, it means हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमें नर्वस होना बहुत जरूरी है। बट नर्वस होते हुए सारी बात, सारी परफॉर्मेंस लोगों तक लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को पसंद आ रही है। हमारे साथ इस समय जुड़ी है सुपर्णा रे। शी इज सेइंग दैट आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय स्टूडेंट। व्हाट यू वांट टू से टू सुपर्णा मैम? सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। यू आर ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट inspirational team across, and I feel blessed to be your student, to have been taught by you, to have you as my class teacher. Thank you so much. Suparna ji, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमें बहुत खुशी होती है इस शो के माध्यम से जितने भी हमारे मेहमान होते हैं, जब उनके गुरुजन और जो मार्गदर्शक होते हैं, जब वो यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो इसका आशीर्वाद हमें भी मिलता है। और हमारी कोशिश है कि हम हिया को आज पूरे विश्व तक लेके जाएं, और जैसे हमारे साथ भारत जी जुड़े हैं कनाडा से, वो आपको अपना प्यार भेज रहे हैं कनाडा से, और इस समय कनाडा में सवेरा हुआ है और लगभग 9:30 या 10 बजे का टाइम है, और वो नींद से उठ के ही आपका शो कनाडा में देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं रवि पटेडिया, और वो कह रहे हैं एक्सलेंट सिंगिंग डियर। और कल्याणी सेरू, शी इज सेइंग व्हाट ए ब्यूटीफुल एंड सोलफुल सिंगिंग। And साथ में अदिति सोनी, so proud of you here, stay blessed. And then Mansi Makwana, amazing, really amazing. I too say here you are amazing. And my classmate from Kashmir, Bumai Sopor Kashmir itself, he has connected us and he is saying Adab, बहुत अच्छा classical based song आपने गाया। And पिंकी कॉल हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं हमारे शोज में, और वो कहती हैं नर्वस मींस वेल फोकस्ड। रियली पिंकी जी, आपने सही कहा। हिया, आप पिंकी जी को क्या कहेंगे? इन्होंने आपकी मम्मी के लिए भी हैप्पी बर्थडे कहा, और पिंकी जी क्लासिकल संगीत को बहुत पसंद करती हैं, तो क्या कहेंगे पिंकी जी को? वाओ, आई मीन कोई जो मिले जिसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो क्लासिकल को ज्यादा नहीं सुनते, पर कोई मिलता है जिसको क्लासिकल पसंद है, सुनता है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड स्टेइंग कनेक्टेड। बाला शर्मा, अ ग्रेट सिंगर फ्रॉम जम्मू, शी इज सेइंग दैट डियर हिया इज अ ब्लेस्ड सिंगर, गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सो मच। And at the same time, Bharat ji from Canada has corrected me. Just I said that there may be about 10 in the morning, and Bharat ji is saying it is 8:15 a.m. here, Toronto, Canada. वो आपको वहाँ से बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं आपके लिए। और we have Jyoti Vaishampayan Joshi. She is saying hello to Hia. और Bina Desai ji, yes, nice answer. और Pinky ji कह रही हैं God bless you बेटा।
लेट अस गो अहेड. जैसे आपने एक बॉलीवुड सॉन्ग अभी गाया जो राग बेस्ड सॉन्ग था, तो जो सिंगिंग है उसमें राग कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है? आई वुड से कि राग के जो बेसिक्स हैं, दे टीच यू अ लॉट फॉर अ लाइफ टाइम. मतलब क्लासेस में जाके मैंने जितने भी राग सीखे हैं उनसे मैंने इतनी छोटी छोटी चीजें सीखी हैं जो मतलब बॉलीवुड गाने वेस्टर्न में सब काम आता है. मतलब क्लासिकल इज अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट, तो आई कंसिडर इट टू बी द बेस फॉर ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक. बट ऑफकोर्स राग के साथ साथ जो बेसिक रियाज है विच इज नॉट ऑलवेज राग बेस्ड, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. वेरी गुड. हियर आई जस्ट वांट टू टेक यू टू कश्मीर. विल यू गो विद अस? डेफिनेटली डेफिनेटली. आई जस्ट वांट टू नहीं करते हैं कि मैं कश्मीर से हूँ और मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, तो मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूंगी. चलिए अभी अभी मैं आपको संगीत के माध्यम से कश्मीर और कश्मीर की वादियां जो है, खूबसूरत वादियां, वहां लेके जाना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ए प्रेजेंटेशन सॉन्ग नेम दिलबरो फॉर मी एंड माई ऑडियंस एंड दे आर वेटिंग वेरी ईगरली फ्रॉम यू हियर. श्योर, इट्स माई प्लेजर. Say khana majhoor, you may look saath mian bhai jano. Bachche say khana majhoor, you may look saath mian bhai jano. Bachche say khana majhoor. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. उड़ के ना देखो दिल भरो दिल भरो, उड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो. So great, so great. Hiya, Bachchasai Maa Khan Majkur
इसका मतलब है कि मैं आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आपने इसकी मीनिंग तो पूछी होगी माम से और डैड से। और बुच्छा सही मान खान मौज कूर, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी भाषा में जब हम अपनी बेटी के साथ बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि शिक्षक म्यून खान मौज कूर। और आप हमारी कम्युनिटी की बेटी है, आप हमारी बेटी है और देश की भी बेटी है। और ऐसे कहा जाता है कि जो युवा है वो देश की शक्ति है, और मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं हिया के साथ बात कर रहा हूं और हिया आज हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ी है और उनके लिए परफॉर्म कर रही है। एक मैं यहाँ पर एक कमेंट लेना चाहूंगा, और वो है राकेश बान जी का। वो कहते हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हिया, मेक्स क्लासिकल सिंगिंग वेरी सोलफुल। क्या कहेंगे राकेश जी को? Thank you so much. I mean, this is such a big compliment for someone as young as me. I mean, thank you so much. एक बार फिर मैं सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसे भारत जी कह रहे हैं, यस हिया यू आर कम्युनिटी डॉटर, लव यू बिटिया। और पिंकी कॉल जी कह रही हैं, लाडली बेटली, यस, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में रेणु जी भी कह रही हैं, हिया सबकी खानमोज कूर है हिया, यस, इसमें कोई शक नहीं है। और ये प्यार आप और इस स्नेह आप बनाए रखें हिया के ऊपर इस शो के दौरान। हिया लेट अस गो नाउ, गो टू अगेन वेस्टर्न म्यूजिक। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, व्हाट प्लेस इदीना मेंजल हैव इन यूर हार्ट? And please say something about her. Okay, so for those who are not familiar with Idina Menzel, she is a Broadway star. Broadway is a group of theaters located in New York, USA. So she is one of the biggest Broadway stars to date. Now, Idina has a very powerful voice. And it's not only powerful, she conveys so much emotion when she's singing. I mean, it just touches my heart. I mean, her roles in musicals like Rent, then Wicked, If Then, Chess are just phenomenal. Also, she is best known for voicing Elsa in Frozen. I mean, she is so popular among the younger ones because Elsa, many people look up to Elsa as a role model, and indirectly they're looking up to Idina, and I agree, yes, she is a role model. Very good, and definitely this show on Radio Vidasta, it is an international show. I would request Hia to sing any of your lovable English song so that we can take your voice to those as well who do not understand Hindi and all that. I would like to present an English song. Do you? Sure. So I'll be singing Show Yourself, which is from the second part of Frozen. This is also sung by Idina. Show Yeah. Yourself is a very beautiful song. It has a few complicated melodies and complicated chords, but then it is just so beautiful. And according to me, it's the best song in the film. So why delay? Please go ahead. To hide, show yourself.
I'm dying to meet you. Show yourself. It's your turn. Are you the one I've been looking for all of my life? Show yourself. I'm ready to learn. I never felt so certain. All my life I've been torn. But I'm here for a reason. Could it be the reason I was born? I've always been so different. Normal rules do not apply. Is this the day? Are you the way? I finally find out why. Show yourself. I'm no longer trembling. Here I am. I've come so far. You are the answer I've waited for all of my life. Oh, show yourself. Let me see who you are. Come to me now. Open your door. Don't make me wait one moment more. Come to me now. Open your door. Don't make me wait one moment more. Lovely, yeah, lovely, awesome, awesome, awesome. And will you believe it that I was dancing in my studio and now I was, when I thought now the song is going to end and I sat on my chair and there are so many comments about this song. People love it and Pinky Ji likh rahi hai, this song is too tough, but you sang with so ease. God bless you here. You are perfect in all octaves. एंड हमारे साथ कनाडा से भारत जी जुड़े हैं और वो कह रहे हैं यस इट इज अ टफ सॉन्ग एंड हियर आई मस्ट से दैट व्हेन वी आर इन दिस यूनिवर्स वी हैव टू शो आवर सेल्व्स टू द यूनिवर्स लाइक वी आर नाउ लाइव इन दिस शो एंड थ्रू आउट वर्ल्ड इट इज वॉच्ड एंड सीन एंड इट विल बी सीन लेटर आफ्टर द लाइव एंड्स एंड मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि रियली यू हैव रेज द लेवल ऑफ आर शो ऑन रेडियो विदस्ता फेसबुक पेज एंड हियर इज अदिति सोनी हेलो फ्रॉम बोस्टन यूएसए वॉकिंग अप टू योर ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस व्हाट यू वांट टू से टू अदिति Thank you so much. First of all, I am so happy that my art has reached people from across the world. Second, it is such a beautiful comment. I mean, it means the world. Thank you. Bina Desai, Vokari has superbly sing this song, Blessings. And your mom says, thanks, Adi.
much love, and she is talking to some Adi. I welcome all in this show again. And Rokesh Ban is saying, have been hearing her live. Her live performances are simply enthralling. Really, Rokesh ji, आपने बहुत ही सही कहा और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है और मुझे पूरी आशा है कि जितने लोग हमसे लाइव जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। यह हम वापस स्वदेश आए और आप हिंदी और हमारी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि एनी मोर एनी अनदर सॉन्ग विच यू वॉन्ट टू सिंग इन इंग्लिश। आई जस्ट जी जी प्लीज प्लीज गो अहेड प्लीज गो अहेड। सो many of you might know this song. It's called Defying Gravity and it's from the blockbuster hit Broadway musical Wicked. Now for those of you who aren't familiar with Wicked, so the reason the song is sung in the play is when she's just misunderstood. I mean, whenever she tries to do something right, people snub her for it, and at this point they have spread false rumors that she is a wicked witch. Hence, she has no choice. She doesn't know what to do. So in the end, she decides to defy gravity, to fly and go off on her own, no matter what others say. Let's listen to this song. Sure. Yeah, please go ahead. PSA about the song. So for those of you who do not know Wicked, again, towards the end of the song, that is the climax of the song, so because she's defying gravity, it means she's flying. So to give the illusion of her flying, the actress who's playing the character on live stage takes a lift and goes up 20 feet in the air. It is by far the musical theater moment that gives me maximum chills. It is an amazing song and I hope all of you love it. Yes, Rokesh Ban says, gravity, my favorite. Please go ahead with this song and let's listen here singing Defying Gravity. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can pull me down. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, until I try I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I'm lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner buy defying gravity. Kiss me goodbye on defying gravity, and you can hold me down. Unlimited, my future is unlimited. And I've just had a vision, almost like a prophecy. I know it sounds truly crazy and true. The vision's hazy, but I swear someday I'll be flying so high. Kiss me goodbye. Tell him you can't find me, love.
chance to fly. And if I'm flying so low, at least I'm flying free. To those who ground me, take a message back from me. Tell them how I am defying gravity. I'm flying high, defying gravity. And soon I'll match them in renown. And nobody in all of us, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me down. Bring me down. Oh. Lovely, 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 lovely. Really speaking, this show has now become an international show, and you have presented your performances so good, so nice. You started with a raga presentation, then you went western, and all the things are there, and you have to go ahead in your life with great performances. Bahut sara riyaz aapne karna hai. आइए अब हम वापस आते हैं अपने देश में और हम आपसे बात करते हैं. एक कमेंट सिर्फ मैं यहाँ लेना चाहूंगा और एक कमेंट आया है रजत कॉल का. वो कह रहे हैं योर स्टूडेंट इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू लाइव एंड शी इज वेटिंग फॉर डिफाइंग ग्रेविटी. यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सीख रही हैं और आप साथ में बच्चों को सिखा भी रही हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू व्हेन यू आर अ स्टूडेंट and you are learning, and when you are a mentor, you are teaching students. What is the difference between the two? I would say when I am a student, I mean, in a way, it's a whole different experience, I'd say. I mean, as a student, there's like a lot of responsibility, and at sometimes, you know, I am like, okay, am I going to live up to the expectations of my teacher? Am I going to hit this note correctly or not? But then as a teacher, I'd say it is so much different. I mean, you are training actual students the same way, you know, your teacher trained you. It is very different. And then sometimes you're like, okay, am I going wrong? Or, you know, am I teaching the wrong way or is it right? I mean, what if the student is learning the wrong thing? But then at the end of the day, I mean, I have confidence in my training, the training I've received from my teachers, and that's what keeps me going. So in August 2020, I started a little vocal workshop and there were three students there, and now we've grown, and now I have a few students coming offline as well, and few of them online. It is a whole different experience, I'd say. And you know, there's a lot of musty that happens. I mean, controlling that, you know, controlling the students' notorious behavior is the worst. I mean, they get so notorious at times. I still remember, so I have a student, so every class when she doesn't want to do something, she'll be like, Kia Didi, I am getting bored, can we chat? So good. But then I'd say it is a lovely experience, and I'm glad to be a student as well as a teacher. Very good. और ये हमें जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब हम नहीं सीखते हैं, और शायद कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम दूसरों को भी नहीं सिखाते हैं. और सुजाता भान कह रही, यू आर सच ए प्रोफेशनल वेन यू टीच यूर स्टूडेंट्स. ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो क्वालिटीज है या आप में, ये आपको जिंदगी में बहुत आगे की ओर ले जाएंगे. हम बातें थोड़े से कम करेंगे और मैं आपसे ये सिर्फ छोटा सा जवाब चाहता हूं कि क्या देश के बाहर जाने से आपकी संगीत यात्रा पर कोई फर्क या कोई असर पड़ा? और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप एक, आपका मैंने गाना सुना है गर मोरे परदेसिया, तो मैं चाहूंगा कि आप वो हमें सुनाए और पहले मेरे सवाल का जवाब दें,
और मैं सवाल एक बार फिर रिपीट करूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ कमेंट यहां लेना चाहूंगा। हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं वीरेंद्र रावल जी, जो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे ये फिल्म्स बनाते हैं, अपनी बात रखते हैं। इनकी आज मैंने एक फिल्म देखी जो सोशल मीडिया पे रियल एंड अनरियल पर इन्होंने बनाई है, बहुत ही अच्छी उसमें प्रेजेंटेशन इन्होंने दी। वीरेंद्र जी आपका स्वागत, और बहुत ही अच्छी फिल्म लगी मुझे। और वीरेंद्र जी कह रहे हैं, बीइंग ए टीचर एंड साइमल्टेनियसली ए स्टूडेंट आल्सो नीड्स टू हैव गट्स, माय बिग सैल्यूट। एंड वीरेंद्र जी आपको सैल्यूट करते हैं हिया। और शुभांगी डिसोजा, शी इज सेइंग दैट सो सॉर्टेड थॉट्स, वेरी गुड। और साथ में हिया, हियाज यंग स्टूडेंट्स आर ए होलसम बट वर्थली, हैव विटनेस्ड हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड एब्सोल्युटली वाओ। हिया, अभी आप इतनी छोटी है और इतनी तारीफें आपको मिलती है, कभी ऐसा तो नहीं है मन में आता है कि मैं बहुत बड़ी टीचर बन गई हूँ? Never. कभी भी? When it comes to teaching, never, never. I feel like I am never enough. I mean, there are times when I'm so confused as to, okay, what are we going to teach today? What exercises are we going to do? Am I teaching them the right thing, or are they learning something wrong? What if I teach them something wrong and I'm responsible for it? I mean, so many times there's always this thought that goes on in your mind, but at the end of the day, you know, it's just the confidence that you have in yourself. मैंने आपसे एक गाने की फरमाइश की है, घर मोरे परदेसिया, और उससे पहले मुझे ये आप बताएं कि क्या देश के बाहर जाने से आपकी संगीत यात्रा में कोई फर्क पड़ा या कोई असर पड़ा? I would say yes. जब मैं वियतनाम शिफ्ट हुई थी, तब obviously क्लासिकल का इन्फ्लुएंस मेरे पास बिल्कुल नहीं था, तो अगर मुझे वेस्टर्न म्यूजिक में आज इंटरेस्ट है वो उन 3 सालों की वजह से है। यस, प्लीज गो अहेड विद घर मोरे परदेसिया। और हम वापस अपने देश में आ गए हैं बाहर से, और चलो कम ऑन। रहुकुने बीत सदा चलियाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। Yeah.
बहुत खूब या विल यू बिलीव इट दैट वी ऑल आर डांसिंग. और पिंकी जी कह रही हैं अमृतसर से दैट वी आर डांसिंग हियर और एवरीबॉडी इज डांसिंग. एंड आई हैव अ कमेंट फ्रॉम कल्याणी सेरू, शी इज सेइंग दैट आई एम क्लैपिंग माय डियर, और दिस इज द मैजिक विच हियर यू हैव फ्रॉम rag based songs to western, then again ghar more pardesiya. Aur aapne prove kiya you are the best singer and you have to go miles away. Aur aapne abhi bahut sari mehnat karni hai aur bahut sara kaam aapne karna hai. Aur Bharat ji Canada se humse jude hain aur saath mein hamare saath Bala Sharma Jammu se judi hain. और रजनी जी हमसे जुड़ गए हैं, वो कहते हैं ऑसम हिया, एब्सोल्युटली अमेजिंग सिंगिंग, सोलफुल वॉइस, माँ सरस्वती माता ब्लेस यू ऑलवेज. ये भी एक बहुत अच्छा गाना गाती हैं और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में रजनी जी हम आपको इस शो में देखना चाहेंगे. आप तैयारी कर दीजिए और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही प्रेजेंटेशंस आपकी भी हो और लेट्स टॉक टू यू एज वेल. और हिया मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जहां पे उन्होंने बताया, जैसे सुजाता बान जी कह रही हैं योर इंटेलिजेंट माइंड इज रिफ्लेक्टेड ऑल इन योर एंड मैच्योर आंसर्स. सबसे बड़ी बात है कि जब मैं आपसे कोई प्रश्न करता हूं और आप उसका रिप्लाई करते हैं और वो जो हमारी ऑडियंस है उनको अच्छा लगता है, दे डायरेक्टली कनेक्ट टू यू एंड दे हैव कम हियर टू वॉच एंड लिसन यू हियर ओनली. रेडियो विदस्ता एक माध्यम है और उस माध्यम के अनुसार आप चलते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं. बहुत सारे लोग हमसे इस समय भी जुड़ रहे हैं और कल्याणी सेरू कह रही है ऑसम ऑसम. एंड देन नेक्स्ट टेसे अब्राहम, वाव ग्रेट टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म हियर, गॉड ब्लेस.
What do you want to say to Tessie? Thank you so much. For those who don't know, Tessie is my best friend's mom. I don't know whether she's here today, but Angelina, if you're there behind that screen, thank you so much. You're the best person on earth. She's motivated me so much. Yesterday, we were just talking after our sound check, and she made me feel so much better, and she always makes me feel so confident and worthy of myself. Thank you, Angelina. Here on your behalf, I welcome all your friends, the family of your friends, and all the persons who are live with us in this show. And Pinky Ji is writing that here you made our Saturday so musical. And sabse important isme ye hai, aur Tessie Abraham, she's saying that I am here. Aur sabse badi baat hai ki aaj aapki mom ka birthday hai, aur aaj hum unka birthday bhi celebrate kar rahe hain, aur hiya ne aaj mom ke birthday ko international bana diya, aur ye sabse badi baat hai ek maa ke liye jab बिटिया या बेटा उनके लिए इस तरीके का आयोजन करे, और रेडियो वितस्ता अगर उसका एक जरिया बनता है, इससे खुशी रेडियो वितस्ता टीम को कभी भी नहीं हो सकती. एंड आवर बेस्ट विशेस टू यू एंड योर मॉम एंड योर फैमिली. आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, पर अभी हम आपको जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हेन यू आर 10 ईयर ओल्ड यू परफॉर्मड एट नेशनल लेवल, व्हाट वाज द फीलिंग एंड व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर दैट? सो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज विद द गाइडेंस ऑफ रवि सर दैट आई मेड इट टू द इवेंट. फॉर दोस हु डोंट नो, आई वाज सो scared during the auditions. Many people know the story, so I never thought I'd get selected. Plus that time my Hindi was all over the place, so I had absolutely no hopes whatsoever of ever getting, you know, into the event. But then when I did, I was so thrilled. I went around the house jumping. I mean, it was a really big opportunity for me. And then I, you know, worked and gave it my best shot. And then to some surprise, I won. I mean, even to this day, it is crazy to think about it. Yes, it was one of my first achievements, and I was only 10 years old. And yeah, we've come a long way from there. But to this day, it is crazy to think, okay, yes, I did get selected all those years ago. And yes, I did win. Great. Yeah, you also performed in Singapore at an international level. Please say something about that also. So I remember, same story here, but it's a little bit different this time, because this time I was sure that I would get selected and I didn't. And then I went home crying in tears. I was like, Mom, this is not possible. I did not get selected. Oh my goodness. But then 2 days later, a teacher comes to me with a notice. Kia, you're going to Singapore, you're selected. And the way I screamed, that was such a beautiful moment. Then I'd say that trip to Singapore was one of the best trips in my life. It was also the first time I went out of the country without my parents. And It was scary at first. I cried on my first night there. And my competition was like on the next day. And then I remember crying. And I'm like, Mom, I miss you. How will I ever perform tomorrow? My mom said, Beta, theek hai, kuch nahi hoga, bas apna best performance go. And I did. And then we were first runner up. Yeah, we came first runner up in Singapore. And it is such a beautiful moment. And I don't think I'll ever be forgetting that trip for the rest of my life. Yeah, maine aapse ye prashn isliye kiya, kyunki bahut sare log aise hain jab wo apni संगीत की यात्रा या जिंदगी में कोई भी जो काम करते हैं उसकी यात्रा शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत बार निराशा भी होती है और बहुत बार हमें कामयाबी भी मिलती है. अगर हमें निराशा मिलती है तो हमें ये मानना चाहिए कि अभी हमारे में वो मैच्योरिटी नहीं है या वो काबिलियत नहीं है, और हमें उस पर स्ट्राइव हार्ड करना चाहिए ताकि हम उस काबिलियत को अचीव करें और उसके बाद हम परफॉर्म करें. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हिया आपको, और आई एम सो हैप्पी टॉकिंग टू यू इन दिस शो. And so many people have connected us during this show. And I just want
अभी हम थोड़ी सी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं करना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक, मैंने सुना है आपकी वॉइस में एक गाना सुना है, दया ये मैं आके कहां फंसी, आप हमें इसके बाहर लेके आइए, उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बारे में बात करेंगे, देन वी विल सम अप दिस शो एंड नाउ लेट्स गो टू हियर टू लिसन दया ये मैं आके कहां फंसी. Thank you so much. For also for those who don't know, this song is particularly difficult in many ways. The first thing is, see, most songs, they follow a certain scale, and then that's the key we remain until the song ends. But this song, in Hindi we say chanchal, it just doesn't stay at one place. The key keeps shifting, it goes higher and higher and higher and higher, and it is a very challenging song to sing, but then at the same time, it's also very fun and theatrical. So I hope all of you love this. I just want to hold you, please. There's a comment on screen. Please read it and say something about it. Lovely, yeah, from Dadi. Thank you, Dadi. All the best. All the best here. All the best here, and go ahead, please. Thank you so much. I think there is a technical issue. Okay. I am very sorry for the inconvenience. I am okay. Shall we wait or shall we take some comments till then? Yes, we could take some comments. बाबा शर्मा लिखती हैं, रेडियो वितरसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को स्पेशल फील करवाता है. जी, गॉड ब्लेस भारत सोपोरी जी. बालाजी, मैं आपको ये कहूं कि आपकी वजह से हम है, हमारा प्लेटफॉर्म है और हमारी जो ऑडियंस है अब वो इस प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाती हैं. और रेनू जी कह रही हैं, कॉन्ग्रेट्स डियर रचना फॉर डियर ही हैज फ्रीट परफॉर्मेंस. राइट, आर यू रेडी हियर? जस्ट अ मिनट, इट्स जस्ट दैट माय कैरियोके वाजंट प्लेइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग अगेन. ओके, नो वरीज, इट्स वर्किंग नाउ. हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से डॉक्टर रमेश निराज, जो एक बहुत ही अच्छे गीतकार है, लेखक है और बहुत सारे ये गीत लिखते हैं और साथ में गाते भी हैं. और साथ में मैं स्वागत करता हूं अंकिता साह का. हेलो एवरीबॉडी, हेलो अंकिता जी, आपका स्वागत इस लाइव शो में. और डॉक्टर रमेश निराज ही आपको कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू. और साथ में आपकी दादी का प्यार तो आपको मिल ही गया. और आइए, अगर आप इसमें अगर कोई इश्यू है और अगर ये नहीं चल पा रहा है तो लेट्स गो अहेड, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गो अहेड. आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज अबाउट योर सिंगिंग फ्यूचर. एंड लेट मी आस्क यू, व्हेन यू केम टू मुंबई, व्हाट चेंज योर लाइफ, हु आर द मेंटर्स एंड हु आर नंबर वन, कि आप आज के डेट में किन से सीख रही हैं और कौन आपको आज सिखाते हैं. दूसरा, आपको दुर्गा जसराज जी से एक एडवाइस मिला. दुर्गा जसराज जी एक ऐसी व्यक्ति है हमारे देश में जो संगीत को पूरी तरह से जानती है और बहुत सारे कलाकारों को वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां पर हम एक्चुअल संगीत को सुन पा रहे हैं, एक्चुअल संगीत को देख पा रहे हैं और एक्चुअल संगीत को हम महसूस कर पा रहे हैं. मुझे बहुत खुशी है कि कल हमने उनसे बात की और उनके लाइव शो में, और मैंने दुर्गा जी को रिक्वेस्ट किया टू बी ऑन आर शो सो दैट कि जितने भी लोग हमसे यहां जुड़ते हैं वो भी आपसे कुछ सीखें और साथ में हम भी कुछ सीखें. जितना बड़ा वो काम करती हैं हम तो उतना नहीं कर पा रहे हैं, पर द लाइफ स्टार्ट्स विद ए स्मॉल स्टेप. हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम इस तरीके से करेंगे. और दुर्गा जसराज जी बहुत ही जो हमारे लेजेंडरी पंडित जसराज जी के उनकी सुपुत्री है, तो प्लीज आप ही मुझे ये बताएं कि जब आप दुर्गा जी से मिले तो क्या उन्होंने गाइड किया और क्या बताया उन्होंने. थैंक यू सो मच.
मेरी सबसे पहले दुर्गा जी से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी उनके इंस्टाग्राम लाइव पे, मैंने आई थिंक मई या जून में, तो मैंने उनके लिए एक गाना गाया, क्लासिक रंगीन पलासी, मैंने उनके सामने गाया, वो काफी खुश थी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया वो बंदिश, थोड़ा ब्रेक डाउन करके उन्होंने समझाया एंड अच्छा एडवाइस था मेरे लिए जो मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी जी। अब उन्होंने मुझे फिर उन्होंने एक्चुअली ये पहले था तो उससे कुछ हफ्तों पहले मेरी मॉम ने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला था, और क्योंकि उनको मेरे लिए कोई टीचर चाहिए जो घराना गायकी सिखाए जी। तो उन्होंने अंकिता जोशी का नाम रेकमेंड किया एंड मैं तब से उनके साथ सीख रही हूँ। मैं अभी ऑनलाइन ही सीख रही हूँ, सिर्फ हम शायद एक ही बारी मिले हैं पर तब से मैं उनसे ऑनलाइन ही सीख रही हूँ। पिछले महीने मैं उनसे पहली बारी मिलने गई एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं उनके कॉन्सर्ट में गई थी एक्चुअली, तो फिर वहां पे उन्होंने गाया, फिर मैं उनसे मिली पहली बारी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। Let me say here that Ankita Joshi is one of the best performers of our country. और मैंने उनका एक परफॉर्मेंस फेसबुक पे देखा है, मिल्क नैनी जो उन्होंने उसमें गाया, और उनके साथ एक और सहायक भी उसमें थी जिन्होंने उसमें आवाज दी, कमाल की परफॉर्मेंस थी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप ऐसे संपूर्ण कलाकारों से जब आप सीख रही हैं, तो मुझे आशा है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। अभी हम इस प्रोग्राम की समापन की ओर है, और मैं चाहता हूं कि आप कोई भी राग प्रेजेंटेशन एक और अगर दे सकती हैं तो आप प्लीज एक राग प्रेजेंटेशन दे दीजिए, और उसके बाद हम एक देशभक्ति गाना लेंगे और इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी प्लीज। तो अभी मैं राग भीमपलासी प्रस्तुत करना चाहूंगी जी। मैंने अपनी ग्रुप अपने टीचर, तो ये एक्चुअली मुझे रानी मैम ने सिखाया है। रानी मैम इज माई टीचर एट आजीवासन म्यूजिक अकेडमी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एंड शी इज सच अ पावर हाउस। एंड वो जितना पैशन अपने टीचिंग को देती है उतना, मतलब मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा है आज तक। तो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम हर। तो अभी आई वुड लाइक टू सिंग अ लिटिल बिट फॉर यू। Just for an introduction, this rag has Gandhar and Nishad Komal. Okay. It also consists of all swars in the avro and five swars in the aro. So its structure or its aro avro becomes sa ga ma pa ni. This is such a beautiful and heart-touching song, and I hope all of you enjoy this. Yes. Sa ga ma pa ni sa sa ga ga ma ma pa ni sa 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 ga 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 ma 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 pa. Ni ni sa pa ni ni ga re sa ni ni ma ga re sa pa ni sa ga re sa ga ma ga ma pa ma pa ni pa ni sa ni ga ma ga ma pa ma pa ni pa ni sa ni ni ga ga pa pa ma ma ga ma ga re sa ni sa ga sa ga ma ga ma pa ma pa ni pa ni sa ni sa ga sa ga ma ga ma pa ma pa ni pa ni sa ni sa ga sa ga ma ga ma pa ma pa ni pa ni sa ni ga pa ma ga re sa ni na My dil bari baji tihari, bina my dil bari baji tihari bina.
हर हरी बाजी बाजी रे बाजी रे बाजी रे माधुरी सुहानी तिहारे बिना मद भरी बाजी तिहारी बिना मद भरी बाजी अनुभानी हो रसानी सरस मानी रस भारी कामिनिया सुन जागी बीना मद भरी बाजी तिहारी बीना मद भरी बाजी तिहारी ठुमक चली आज रे रागिनी ठुमक चली आज रे रागिनी हो मद माते रस रंग राते हो मद माते रस रंग राते प्रणय गीत गाती अनुभानी हो रसानी सरस मानी रस भारी कामिनिया सुन जागी बीना मद भरी बाजी तिहारी 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 बाजी तिहारी बीना मद भरी निसा गनी सा मंगा मसा मगरी गनी सा बीना मद भरी दान दे
अत्युत्तम अत्युत्तम हिया अत्युत्तम। अगर मुझे गाना गाना आता तो मैं गा के बता देता कि अति उत्तम, पर मुझे क्योंकि संगीत के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड यू हैव रियली हेल्प्ड आर ऑडियंस टू लिसन द बेस्ट म्यूजिक टुडे ड्यूरिंग आर शोज। और आज का शो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट शो है, और बहुत सारे लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड इस समय हमसे जो जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यूएस, कनाडा और बाकी जगहों से भी जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, उन्होंने आपके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है, आशीर्वाद भेजा है। और अब हम इस प्रोग्राम के समापन की ओर है। मन तो नहीं करता इस प्रोग्राम को समाप्त करूं, पर समय अपना काम हमेशा करता है। वी हैव ऑलरेडी completed the timing of the show. At the end, I just want के जितने भी हमारे सीमा सुरक्षा बल है, हम उनको नमन करते हैं, हम उनके लिए हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, वो देश की रक्षा करते हैं, और बहुत बार वो अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं। और हम उनको सैल्यूट करते हैं, और साथ में हम ये मानते हैं कि उनके बगैर हम इस देश में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। और हम उनको ये अपना हिया किलम बताना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। आई जस्ट वॉन्ट हिया यू टू हैव एंड कन्वे ए मैसेज टू ऑल दोज हु आर एट प्रेजेंट गार्डिंग द कंट्री। एंड मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ भी आप उनके लिए गाएं और उनके सम्मान में गाएं, और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि वी आर विद यू एंड आपके बगैर हम अधूरे हैं और हमारा देश अधूरा है। हियर फर्स्ट मैसेज फॉर ऑल द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, देन समथिंग आप उनके लिए, कुछ भी उनके लिए गाइए प्लीज। मैसेज फर्स्ट, प्लीज गो अहेड। आई जस्ट वांट टू से thank you. I mean, this country is not what we think it is without the soldiers of India. I mean, the reason we feel so safe and secure is because of them, and we all should be eternally grateful. This country is our motherland, and we must protect it at all cost. Therefore, salute to all the soldiers guarding the borders of India. I would like to end this evening with a beautiful song that was featured in the movie Chakde India. Many of you might know. Please go ahead. My heart, and I hope you all enjoy. बहुत खूब हिया। मैं जब इस प्रोग्राम का समापन करता हूं, मैं अपने जो हमारे सेना सुरक्षा बल है उनको याद करता हूं, इसलिए हमारे देश में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हर कोई देशभक्त है, पर हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, हमें बार बार इसको याद करना चाहिए। जैसे हिया आपने प्रेजेंटेशन दे दी, उन सबके लिए बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन, और दिल से आपने गाया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब देश की बात होती है, देश की अखंडता की बात होती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम इस नोट से इस लाइव शो का समापन करते हैं। यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि हमारे पास उत्साह परिवार से शुभांगी जी, पिंकी जी, अंकिता साहा जी और बहुत सारे लोग इन हमारे इन शोज के साथ जुड़ते हैं। मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अपना कीमती समय वो हमें देते हैं, और साथ में जो हमारे दोस्त
और हमारे इन शोज के सुनने और देखने वाले हैं वो हमारे साथ अपना समय गुजारते हैं, हम दिल से उनका शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका इन शोज में जुड़ने के लिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे पास मेहमान यहां पे होगा वो आपको पूर्णता से आपको एंटरटेन भी करेंगे और साथ में आपसे रूबरू होंगे ताकि आप उनको याद रखें। हिया बेटा, आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हितेश शर्मा जी की ओर से, हमारे रेडियो प्रोग्राम इंचार्ज नरेश शर्मा जी की ओर से, हमारे सभी आदरणीय लोग जो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं उनकी ओर से, आपके परिवार की ओर से, आपके बहुत अच्छे दिनों की हम कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हिया किलम को हम इंटरनेशनल लेवल पर सुने और साथ में बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी सुने, और हम प्राउड फील करेंगे कि हिया ने शुरुआत में रेडियो वितस्ता के साथ जो शो किया था वो हिया की एक शुरुआत थी। और साथ ही एक बार फिर मैं आपके पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी है, इस काबिल बनाया है कि आप सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दें। इस पावन दिवस पर जब आपकी माताश्री का जन्मदिन है, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।